आज हम तब बात कर रहे हैं जब बॉलीवुड से सबसे बड़ी खबर आ चुकी है कि जाने माने फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने अकथित तौर पर अपने घर में आत्महत्या कर ली है और ये फिल्म अभिनेता अब हमारे बीच नहीं है। और इस वीडियो के माध्यम से हम इस फिल्म अभिनेता को अपना ट्रिब्यूट पे कर रहे हैं। और एक ऐसे अभिनेता को जो अपनी फिल्म छिछोड़ा के माध्यम से पूरे देश और दुनिया को बताता है कि चाहे असफलता मिले या सफलता, इसके बावजूद भी हमें आत्महत्या नहीं करना चाहिए, वही एक उसी एक्टर के बारे में सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत ने कथित तौर पर अपने घर में आत्महत्या कर ली है। खैर, ये अलग बात है कि सुशांत सिंह राजपूत की ये आत्महत्या है या हत्या, खैर ये जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन ये सत्य है कि सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच नहीं है। बिहार के पटना में जन्मे सुशांत सिंह राजपूत की स्कूली शिक्षा कॉरेंस हाई स्कूल पटना में हुई। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह जहां सरकारी पदाधिकारी थे तो मां हाउसवाइफ थीं। सुशांत सिंह राजपूत के घर में चार बड़ी बहनें थीं और वो घर में सबसे छोटे थे। सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई भारतीय जनता पार्टी के सुपौल से विधायक हैं और उनका नाम नीरज सिंह बबलू है। सुशांत सिंह राजपूत अपनी पटना से स्कूली शिक्षा पूरा करने के बाद दिल्ली का रुख कर चुके थे और दिल्ली जाने के बाद सुशांत सिंह राजपूत चूँकि पढ़ाई में अच्छे थे इसलिए उन्होंने ऑल इंडिया रैंकिंग के इंजीनियरिंग के परीक्षा में उन्होंने सातवीं रैंक प्राप्त की थी। इसके बाद सुशांत सिंह राजपूत ने दिल्ली फिल्म फेयर समारोह में उन्होंने डांस भी किया था और इसी डांस ने एकता कपूर की बालाजी फिल्म का ध्यान उनकी तरफ खींचा था। और इसी के बीच सुशांत सिंह राजपूत मुंबई में नादिरा बब्बर के थिएटर ग्रुप से जुड़ गए। लगभग 2.5 साल तक थिएटर करने के बाद सुशांत सिंह राजपूत के झोली में आई एकता कपूर की सीरियल किस दिस में है दिल। इस सीरियल में सुशांत सिंह राजपूत ने प्रीत जुनेजा की भूमिका निभाकर लोगों का ध्यान जबरदस्त तरीके से खींचा था, लेकिन इसके बाद दूसरी करीब में बालाजी फिल्म्स की ही सीरियल पवित्र रिश्ता में सुशांत सिंह राजपूत को मानव देशमुख की भूमिका निभाने का मौका मिला, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत ने पवित्र रिश्ता के माध्यम से लोगों के घर घर तक अपनी पहचान बना ली। और यहीं से सुशांत सिंह राजपूत एक साधारण लड़के से एक अभिनेता के रूप में प्रतिष्ठित होने लगे। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत ने ये फैसला कर लिया था कि वो टीवी के लिए नहीं बल्कि फिल्मों के लिए बने हैं। वर्ष 2013 आते आते सुशांत सिंह राजपूत ने ये फैसला ले लिया कि अब वो काम करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ फिल्मों में। और देखते देखते सुशांत सिंह राजपूत की ज़िंदगी में फिल्म आने लगी और इसके बाद सुशांत सिंह राजपूत फिल्मों की तरफ आगे बढ़ने लगे। जाने माने फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत एक ज़बरदस्त अभिनेता के साथ ज़बरदस्त लर्नर भी हैं और जब उन्हें फिल्मों में काम करने का मौका मिला तो उन्होंने फैसला किया कि सब कुछ सीख कर ही वो काम करेंगे। सुशांत सिंह राजपूत जाने माने एक्शन डायरेक्टर आलम अमीन से मार्शल आर्ट सीखी थी, जिसके कारण वो एक्शन बेहतरीन ढंग से कर पाते थे। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने अभिनय के गौर शाहरुख खान के गुरु जॉन बेरी से सीखी थी। और सुशांत सिंह राजपूत की झोली में वाली फिल्म आई वो थी काय पोचे, जो उस समय अभिषेक कपूर बना रहे थे। यह फिल्म जाने माने नॉवेलिस्ट चेतन भगत की नॉवेल पे बन रही थी। उस फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत को खासी लोकप्रियता मिली और इस फिल्म के बाद सुशांत सिंह राजपूत के में इस फिल्म की सफलता के बाद सुशांत सिंह राजपूत के पास
फिल्मों का आना शुरू हो गया। इसके बाद सुशांत सिंह राजपूत ने फिल्म शुद्ध देशी रोमांस में भूमिका अपनी ज़बरदस्त निभाई, लेकिन इस फिल्म को बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली। इसके बाद सुशांत सिंह राजपूत राजकुमार हिरानी के निर्देशन में फिल्म पीके में काम किया, जिसके लिए सुशांत सिंह राजपूत को खासी लोकप्रियता मिली। और सुशांत सिंह राजपूत की ज़िंदगी में, सुशांत सिंह राजपूत के फिल्मी करियर में यह फिल्म काफ़ी हिट साबित हुई थी। इसके बाद सुशांत सिंह राजपूत MS धोनी, जिसमें वो धोनी का कैरेक्टर निभा रहे थे, कैप्टर शॉट पे उनकी सबसे ज़्यादा उन्होंने तालियां बटोरी। और इसके बाद MS धोनी के बाद सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड में स्थापित लगभग हो गए। कि पहले तक सुशांत सिंह राजपूत धोनी का फैन हुआ करते थे, लेकिन जब यह फिल्म में उन्हें धोनी बनने का मौका मिला तो धोनी उनके फैन हो गए, और साथ ही साथ सुशांत सिंह राजपूत का पूरा देश फैन हो गया। इसके बाद सुशांत सिंह राजपूत की ज़िंदगी में और कई फिल्में आती रही। इसके बाद उन्होंने बिहार के डकैतों की ज़िंदगी पर फिल्म सोन चिड़ैया में काम करने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने बेहतरीन काम किया। इसके बाद उन्हें छिछोड़ा फिल्म में भी काम करने का मौका मिला, जिसमें छिछोड़ा में उन्होंने ज़बरदस्त काम की और जिसकी सराहना पूरे बॉलीवुड ने की। पूरे बॉलीवुड के साथ साथ देश के हर युवा की धड़कन बन गए सुशांत सिंह राजपूत। छिछोरा फिल्म दंगल नीतीश तिवारी बना रहे थे, और उसके लिए सबसे बेस्ट एक्टर जो लगे उन्हें वो थे सुशांत सिंह राजपूत। और जब मौका मिला सुशांत सिंह राजपूत को, तो छिछोरा में सुशांत सिंह राजपूत ने ज़बरदस्त भूमिका अदा की और लोगों का ध्यान खींच लिया। देखते देखते अब सुशांत सिंह राजपूत एक सफल अभिनेता के रूप में स्थापित हो गए। लेकिन 14 जून 2020 को एक पूरी कहानी ख़त्म हो गई। आखिर कैसे ख़त्म हुई, क्या थे उसके पीछे के राज, जिसे पूरे देश और दुनिया जानना चाहती है। राजपूत ने अपने 6-7 साल के कैरियर में 11 फिल्में दी, जिसमें ज़्यादातर फिल्में सुपरहिट और हिट साबित रही। यही वजह थी कि सुशांत सिंह राजपूत मात्र 34 साल के उम्र में, जब सुशांत सिंह राजपूत पवित्र रिश्ता में काम कर रहे थे, उसी समय उनकी को एक्टर अंकिता लोखंडे के साथ उनको प्यार हो गया, और वो अंकिता लोखंडे के साथ लगभग 6 साल तक रिलेशनशिप में रहे। ऐसा कहा जाता है कि कृति सेनन के कारण ही अंकिता लोखंडे के साथ उनके संबंध बिगड़ गए। ऐसा माना जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत अपने अंतिम दिनों में डिप्रेशन से जूझ रहे थे, और उस डिप्रेशन के पीछे क्या कारण थी, यह अभी जांच का विषय है। लेकिन इसके बावजूद जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है, और सुशांत सिंह राजपूत के फैंस जिन पर सबसे ज़्यादा गरज और बरस रहे हैं, वो हैं करण जौहर, आलिया भट्ट, सलमान खान। आखिर इन पर क्यों बरस रहे हैं, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली सुशांत सिंह राजपूत जब छिछोरा की सफलता से पूरे चर्चित थे, इसके बाद सुशांत सिंह राजपूत चाहते थे कि वो कुछ बड़ा करें। इसी दौरान उनकी ज़िंदगी में आई फिल्म ड्राइव। यह बात तब की है जब करण जौहर सुशांत सिंह राजपूत के साथ रब्ता बना रहे थे, और उसके बाद सुशांत की फिल्म रब्ता के लिए आलिया भट्ट ने साइन किया था। लेकिन 4 महीने के अथक प्रयास के बाद जब स्क्रिप्ट फाइनल हुई, तो ऐन मौके पर आलिया भट्ट ने करण जौहर के कहने पर उस फिल्म को छोड़ दी थी, और जिसके कारण वह फिल्म लंबी खिंच गई। और इसके बाद कृति सेनन ने आलिया भट्ट की भूमिका को निभाया था, लेकिन इसके कारण यह फिल्म देर से बनी और ढंग से यह फिल्म नहीं बन पाई। और इस फिल्म को भी करण जौहर ने सुशांत सिंह के नहीं चाहने के बावजूद भी इस फिल्म को पहले पर्दे पर रिलीज नहीं करा करके नेटफ्लिक्स पर सिर्फ रिलीज कराया, जिससे सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में चले गए। सुशांत सिंह राजपूत के फैंस के गुस्से की वजह सलमान
पे यह है कि सलमान सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म ड्राइव में अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने भाइयों को काम दिलाना चाहते थे और इसी को लेकर सुशांत सिंह राजपूत और सलमान खान के बीच अनबन हुई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली से भी वह सुशांत सिंह राजपूत के तार और संदेह की पुष्टि तब हो जाती है जब जाने माने फिल्म अभिनेता अनुराग कश्यप के भाई अनुभव कश्यप, जो कि दबंग और बेशर्म जैसी फिल्म बना चुके हैं, उन्होंने सलमान खान के परिवार पर ज़बरदस्त आरोप लगाते हुए कहा है कि यह परिवार नवोदित अभिनेता और डायरेक्टरों का शोषण करता है और जो लोग इनकी बात नहीं मानते या जिन लोगों की इनसे नहीं बनती है उन लोगों का कैरियर तबाह कर देता है। यह पहली बार नहीं है कि सलमान पर इस तरह के आरोप लगे हैं। इससे पहले भी सलमान खान, ऐश्वर्या राय, विवेक ओबेरॉय, अनुभव कश्यप जैसे टैलेंटेड लोगों पर ऐसा कर चुके हैं। अपने अनुभव में अनुभव कश्यप बताते हैं कि उनसे भी कई फिल्में छीन ली गई और कुछ ऐसा ही सुशांत सिंह की ज़िंदगी में हुआ था। जब इनके फिल्मों ने सफलता के कीर्तिमान स्थापित कर दिए थे तो एक साथ सुशांत सिंह की झोली में 7 फिल्में आई थी, लेकिन एक एक करके 7 फिल्में सुशांत सिंह राजपूत की झोली से छीन ली गई थी। यह भी माना जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत की निराशा की वजह थी। सुशांत सिंह राजपूत की एक बार कहा सुनी हो गई थी और जिसके बीच सलमान खान बीच में कूद करके आ गए थे, तब से सुशांत सिंह राजपूत और सलमान के रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे। खैर, वजह जो कुछ भी हो, सुशांत सिंह राजपूत के घर से 5 डायरी मिली है। अब देखना है कि उस डायरी में जांच कर रही इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों को क्या मिलता है। और इस सब के बावजूद सुशांत सिंह राजपूत को भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और ज़िंदगी में चाहे जो कुछ भी सिचुएशन हो, आदमी को लड़ना चाहिए, जूझना चाहिए। सुशांत, आपको लड़ना चाहिए था, जूझना चाहिए था और दुनिया को बताना चाहिए था, लेकिन आप बिना बताए चले गए। सुशांत, आपने ठीक नहीं किया।